शीत उत्पादी चूर्ण। आज शीतोपकारी चूर्ण के बारे में पढ़ा जाएगा कि और कैसे शीतोपकारी को याद करना है। एग्जाम में उसे अच्छा से याद करने के लिए इसके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं। क्योंकि शीतोपकारी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, शीतोपकारी चूर्ण के बारे में बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको कैसे याद करना है कि शीतोपकारी चूर्ण एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसी को तोड़ के आपको पूरे घटक द्रव्य लिखने हैं कि इसमें क्या क्या घटक द्रव्य आपको मिलते हैं। तो घटक द्रव्य क्या क्या होंगे इसमें, तो पट है, इसी को अगर आप देखते हो सी लिखा हुआ है, मतलब इंग्रेडिएंट क्या होगा, सीता। उसके बाद में सेकंड लिखा हुआ है तर, तो मतलब उससे क्या होगा, तुवा छीरी। इसको वंश लोचन भी बोला जाता है। ये मार्केट में आपको किस नाम से मिलेगा, वंश लोचन के नाम से आपको मिलेगा। उसके बाद अगला क्या आना है, पर मतलब क्या हुआ, पिपली। उसके बाद आता है ला, ला से और इंग्रेडिएंट क्या होगा, एला, मतलब एला। एला कौन सी लेनी है आपको, दो तरह के मार्केट में मिलते हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो यहाँ पे आपको कौन सी लेनी, सूक्ष्म एला, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आता है, मतलब दालचीनी, दालचीनी। ये इसके घटक द्रव्य हो गए, इसमें टोटल शीतोपकारी चूर्ण में 5 घटक द्रव्य मिलते हैं। तो अब बात आती है कि ये किस रेशियो में आपको लेना है, इसका शीतोपकारी चूर्ण का निर्माण करने के लिए कि किस अमाउंट में इनको मिलाया है। तो सीधी सी बात है, अगर इसको आप बात करते हो तो घटक द्रव्य याद करने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उल्टा करके इसको कोडिंग दो, 1 2। अब यहाँ से जस्ट डबल करते जाना, हाँ यहाँ से जस्ट आप डबल करते जाना कि जैसे सबसे लास्ट वाला कितना हो गया, एक बार एक कितना होगा, 2 गुना इसका। उसके बाद ये कितना होगा, 4 ये 4 का जस्ट डबल, 8 और ये इसका जस्ट 16 गुना, मतलब घटक द्रव्य। तो यही सारी चीजें रिपीट करके आप यहाँ पे लिख दो, 1 ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। उसके बाद ये हो जाएगा 4 गुना, ये हो जाएगा 8 गुना और ये हो जाएगा 16 गुना। ये सब कुछ एक तरह से घटक द्रव्य, तो इसी तरह से आपको किस रेशियो में डालना है और कितने घटक द्रव्य इसमें मिलते हैं शीतोपकारी चूर्ण, तो याद करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसी के नाम को आप अगर डिकोड करोगे तो सारे घटक द्रव्य आप लिख दोगे कि ये इसमें घटक द्रव्य मिलते हैं, किस रेशियो में मिलते हैं। तो यहीं से उल्टा करके आपको दुगना करते जाना है, तो उसी हिसाब से आप बता दोगे कि इतने इतने घटक द्रव्य इसमें मिलते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट आएगा निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में आपको क्या करना है कि सभी द्रव्य का एक तरह से अलग अलग पाउडर बनाना है और सभी को इसमें मिला लेना है। हाँ, ध्यान देने वाली बात एक चीज आती है यहाँ पे कि पृथक पृथक कर लेना है और आपस में मिला लेना है, और मिला के एक तरह से शीतोपकारी चूर्ण का कांच के जार में बंद करके आपको रख लेना है, तो शीतोपकारी चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसकी डोज कितनी होती है, अगर इसकी मात्रा की बात करें अपन कि मात्रा कितनी देते हैं, तो पेशेंट ने इसकी डोज कितनी बताई गई, मात्रा कितनी आपको देनी है इसकी शीतोपकारी। जैसे कोई आपके पास पेशेंट आता है तो शीतोपकारी की मात्रा आपको 3 से 6 ग्राम, ये एक तरह से आपको चूज करना है। और अब आता है अगला अनुपान, अनुपान कौन कौन सा दे सकते हो आप इसके पास, अनुपान अनुपान क्या क्या बताया गया, मधु और ब्रेड। अब जनरली क्या होता है, अनुपान लगभग सब में यही लिख सकते हो आप, एग्जाम के हिसाब से आपको मधु और ब्रेड या फिर सिंपल अपने भी लिख सकते हो, मतलब जल इसके साथ में आप इसको दे सकते हो। उसके बाद में आता है कि इसका उपयोग कौन कौन सी डिजीज में किया जाता है,
कि कौन कौन से रोग में सिरोपकारी के बारे में दिया गया, तो आप देखोगे चरक संहिता के 8th चैप्टर राज्य अक्षमा उसमें सिरोपकारी के बारे में बताया गया है। राज्य अक्षमा में इसका यूज किया जाता है, तो स्पष्ट तो हो गया राज्य अक्षमा, क्योंकि आप चरक पढ़ोगे तो चरक में भी 8th चैप्टर राज्य अक्षमा में आपको सिरोपकारी के बारे में मिलेगा। उसके बाद आता है कांस श्वास, कोई भी जिसे ब्रोंकियल अस्थमा वाला पेशेंट है, श्वास का पेशेंट है, कांस का पेशेंट है, उसको दिया जाता है। या प्रतिशय जैसे जुकाम वाले पेशेंट जो भी आपको मिलेंगे तो उसमें भी सिरोपकारी चूर्ण का यूज किया जाता है। और उसके बाद ज्वर, अग्निमन और अरुचि, इनमें भी सिरोपकारी चूर्ण दिया जाता है।